हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। आज से हम लोग चैप्टर प्रॉपर्टी और ट्रायंगल के बारे में थ्योरम करेंगे, क्योंकि थ्योरम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी हमारे थ्योरम भी आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी करूंगा कि थ्योरम को कैसे करते हैं। थ्योरम में तीन चीजों की हमें जरूरत होती है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए गिवन क्या दिया गया है, हमें क्या प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है क्या दिया गया, ये दोनों तो हमें थ्योरम के क्वेश्चन में दे दी जाती है। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तीन चीजें। अगर हम किसी थ्योरम को फिगर बना के थ्योरम सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी हमें थ्योरम क्लियर हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले आज मैं इस थ्योरम में आपको फिगर बनाना भी सिखाता हूँ। तो देखिए, थ्योरम आपकी पहली इसने कहा दी सम ऑफ, आपसे कहा गया कि द सम ऑफ द मेजर्स, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये कहा जा रहा है कि तीन इंटीरियर एंगल का अगर सम किया जाए और 180 डिग्री हो जाए तो उसे माना जाएगा कि वो एक ट्रायंगल है। देखिए, इस क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ट्रायंगल कहा तो हम लोग को गिवन दे दिया गया ट्रायंगल, ठीक। फिर उसने कहा कि थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब हमें प्रूविंग क्या करनी है कि ट्रायंगल के तीन एंगल को हमें सम करना है और वो 180 डिग्री हो, ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम अपने थ्योरम वन को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम वन आप देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हमने ले लिया गिवन में हमको जो दिया गया वो हमने ले लिया कि ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने क्या ले लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, प्रूविंग हमें क्या करनी थी, प्रूफ भी क्या करना था, प्रूफ भी जो हमें करना है वो ट्रायंगल का सम का। तो अब वो प्रूफ लिखने से पहले फिगर बना ले। इसे हमने ये फिगर बनाया, ये हमने फिगर बनाया, इसको हमने दिया पी क्यू और आर। ओके, फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एंगल को भी शो कर दिया, ये वन है, ये टू है, ये हमारा थ्री है। अब इसे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की पी पे, और आप देख रहे हैं इस टाइम कि ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर कर रहे हैं। हमने हमसे कहा कि ट्रायंगल जो का जो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब होते जो बाहर, एक्सटीरियर मतलब, इंटीरियर मतलब जो अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो ये तो एंगल अंदर है इसलिए इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्रूफ हमें अब क्या करना है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल 180 डिग्री। ओके, प्रूफ भी समझ में आ गया कि ऐसे थोड़ा। अब इसे हमें इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है, क्या करना है कंस्ट्रक्शन। कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं भी करना पड़ता। तो देखिए सर, यहाँ पर ये 1 2 3 हो गया, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, इस एंगल, इस एंगल 4 दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया 5 दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो पी है, यानी जो पी है, तो अब हमने अब यहाँ पर भी इसके इससे हमने एक नाम ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया। अब ये ए बी एक लाइन है जो क्यू आर को पैरेलल है, समांतर है, तो हमने लिख लिया कि क्यू आर पैरेलल का सिंबल होता है एक और एक गहरा ए बी। हमने क्या लिखा, क्यू आर जो पैरेलल है वो ए बी के है, ये लाइन है, तो लाइन का सिंबल भी आप समझ लें, ये लाइन का सिंबल होता है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये क्यू आर ए बी के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो एंगल 5 है वो एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने लिखा, अब देखिए कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना था ना, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पहले उसे तो लिख दिया जाए। हमने लिखा ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन ए बी, ड्रा ए लाइन ए बी पैरेलल क्यू आर, पैरेलल क्यू आर, इस लाइन को मैं ड्रा किया और मैं ड्रा लाइन ए बी पैरेलल क्यू आर, ये इस तरह हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया।
उसके बाद अब ये लाइन कौन से पॉइंट को टच कर रही है, पी को, तो ये भी लिख दो भाई, पासिंग पासिंग थ्रू पी, पासिंग थ्रू पी यानी पी से होकर होकर गुजर के जा रही है, पी से गुजरती जा रही है, पासिंग थ्रू कहा इंग्लिश में। अब ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, हमें क्या करना प्रूफ करना है, हमें क्या करना प्रूफ करना है। तो डेक्रेशन प्रूफ कैसे करेंगे, हमने अभी क्या लिखा क्यू आर लाइन पैरेलल किसके है, ए बी के, जो क्यू आर लाइन है, क्यू आर लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, तो ये एंगल फाइव एंगल थ्री के क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। और ये एंगल फाइव एंगल थ्री कैसे एंगल होंगे, ये भाई जो एंगल फाइव और एंगल थ्री ये कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, कैसे होंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है सर एंगल। फिर जब एंगल फाइव एंगल थ्री के पैरेलल हो सकता है तो एंगल फोर भी एंगल टू के पैरेलल हो सकता है, तो एंगल फोर भी एंगल टू के पैरेलल हो सकता है, तो मैं लिखा एंगल फोर इक्वल एंगल टू, ये भी क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, ये भी आपको क्या होगा अल्टरनेट एंगल। तो जब ये एंगल फाइव एंगल थ्री के पैरेलल है, एंगल फोर एंगल टू के पैरेलल है, या अल्टरनेट एंगल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल वन प्लस एंगल टू, अब हमने क्या किया इसके अंदर के जो एंगल है उनको हमने क्या कर दिया सम कर दिया, या हमने इनके अंदर का ना करके ये एंगल का कर दिया, एंगल वन एंगल फाइव एंगल फोर, तो हमने लिखा एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इक्वल 180 डिग्री, ठीक है चलिए। क्यों किया, क्योंकि ये जो पूरा एंगल आपका बनना ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का फिगर तो हम जानते हैं, ये स्ट्रेट एंगल फिगर होता है, ये स्ट्रेट एंगल का फिगर होता है और इसका मीटर 180 डिग्री होता है। तो अब इसे हमने क्या किया एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल हमने क्या लिख लिया 180 डिग्री लिख लिया, ठीक बहुत अच्छी है। अब देखिए एंगल 5 की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल 3, और एंगल 4 की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, ये आपकी प्रूफ हो गई, ये प्रूफ हो गई। आप प्रूफ भी ले सकते हैं, प्रूफ भी ले सकते हैं, तो ये आपकी थ्योरम 1 थी जो बहुत ही तरीके से कंप्लीट हुई। अब इसमें हम थ्योरम 2 की बात करते हैं, तो थ्योरम 2 को देखते हैं, स्पेस के लिए जगह बनानी पड़ेगी है ना, तभी दूसरी थ्योरम सॉल्व हो पाएगी। दूसरी थ्योरम क्या है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कहा गया आपसे, इफ आपसे कहा गया कि इफ वन साइड, आपसे क्या कहा गया इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस यानी इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या है प्रोड्यूस, देन द एक्सटीरियर एंगल so formula is equal to the sum of the two interior opposite angle, यानी opposite angle की बात हो रही है। तो देखिए हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपोजिट एंगल है तो अब किस एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग फिगर थ्योरम टू सॉल्व कर रहे हैं ना, थ्योरम टू में हमें क्या दिया हुआ पहले तो ये लिख लिया जाए ना, तो गिवन में हमें सिर्फ इतना ही तो दिया गया, गिवन क्या दिया गया, गिवन में क्या दिया हुआ कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक ट्रायंगल की एक साइड को हमें बढ़ा देना है, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना उत्पन्न करना क्रिएट करना। तो हमने सबसे पहले गिवन में जो लिखा लिखा लेट लेट पी क्यू आर, लेट पी क्यू आर बी एनी ट्रायंगल, लेट पी क्यू आर ट्रायंगल, तो आप सीधा ट्रायंगल बनाने के सिंबल बना दीजिए लेट पी क्यू आर ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद से हमें यहाँ पर जो प्रूफ है वो प्रूफ करना क्या है, जो हमें प्रूफ करना है वो हम क्या करेंगे उसको देखिए। प्रूफ में हमें उसको ये लिखना है एंगल फोर इक्वल एंगल वन प्लस एंगल टू। अभी एंगल फोर इक्वल एंगल वन प्लस एंगल टू कैसे आएगा वो हम दिखाते हैं आपको। हमने ये फिगर इसे बनाया है, ठीक उसने कहा कि एक ट्रायंगल है उसका एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया। फिर उसने कहा कि एक साइड को प्रोड्यूस करो और उसमें
उसमें आपका एक्सटीरियर एंगल भी निकल के आना चाहिए। ठीक, तो हमने इसी लाइन को बढ़ा दिया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। बहुत से क्वेश्चन हमारे सोचे सर आपने इधर बढ़ाया है, क्या आप इधर बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। क्या इधर बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। उसमें कोई आप डाउट में ना रहे कि नहीं बढ़ाया, बढ़ाया जा सकता है। आप इधर बढ़ा सकते हैं, आप इधर बढ़ा सकते हैं, आप इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक, बहुत से जन सोचते हैं सर इधर नहीं बढ़ा, इधर बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इधर उधर करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे। इधर आप चलेंगे तो आपको सीधे सीधा फिगर दिख रहा होगा, तो आप उस हिसाब से उसे कंपेयर कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, लाइन तो प्रोड्यूस कर दी, अब नेमिंग कर दी। हमने इसे पी नाम दिया, फिर इसे क्यू नाम दिया, इसे पी क्यू आर तो पहले भी लिख चुके थे। उसके बाद हमने क्या किया, इसे हमने एस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एस नाम दे दिया। ठीक, जो लाइन प्रोड्यूस की। अब देखिए एंगल भी शो कर दिए, ये हमारा एंगल वन हो गया, ये हमारा एंगल टू है, ये हमारा एंगल थ्री है, और ये एंगल हमारा क्या फोर है। अब देखिए एंगल आप देख रहे हैं, तो एंगल जो फोर है वो एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, लेकिन एंगल वन और एंगल टू का जो सम होगा, इसने कहा ना दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो हमने दो ये इंटीरियर एंगल लिया, इनका सम इसके इक्वल है, ऐसा हमें शो करना है। तो देखिए हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन आपको सिर्फ इतना है, कंस्ट्रक्शन भी आपका उसको भी देख लीजिए आप। जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपका सिर्फ आपको लिखना है जो क्यू आर है, क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड टू एस, टू एस यानी क्यू आर ने प्रोड्यूस किया और एस तक आप ले गए। ठीक, अब प्रूफ आपको करना है कि कैसे प्रूफ होगा, है ना। तो देखिए इसका प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल को लिया जाएगा, उसके बाद इधर इधर वाले ट्रायंगल को लिया जाएगा। तो हमने लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखा हमने, ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने क्या लिया, पी क्यू आर का तो वन टू थ्री हमने एड कर दिया, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक, हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन वन, हमने नाम दे दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एंगल थ्री और एंगल फोर को ऐड किया, तो इसका हमने क्या कहते हैं, इसका ट्रायंगल क्या आया, जब ये दोनों ऐड करेंगे तो इसका ट्रायंगल क्या आएगा, एंगल पी आर एस। भाई यही तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ये ट्रायंगल यहाँ नहीं लेंगे हम, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो लीनियर एंगल क्या है, लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। जब एक ही लाइन पर दो एंगल होते हैं तो वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। लीनियर मतलब एक रेखी, सीधा रेखा, सीधी लाइन। ओके, स्टैंड। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल 180 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने टू ले ली। इन दोनों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। अब इसको इस प्लस पे इधर लेके आओगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं आप पैक कर दीजिए, तो आपका आ गया एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल एंगल फोर, जो आपको प्रूफ करनी थी। और इससे प्रूफ हो गया कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो थ्योरम की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई नहीं प्रॉब्लम इस चैप्टर में होती है, क्योंकि तो मैंने इस चैप्टर का टॉपिक को क्लियर किया, अभी एक्सरसाइज को नहीं क्लियर किया। तो सबसे पहले आप टॉपिक क्लियर कर लें और फिर आप एक्सरसाइज को करें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, आपकी कमेंट को देखते हुए लेटेस्ट वीडियो बनेगा और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।